रोज मेरी वाटर यूज कर। रोज मेरी वाटर बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट ऑफ द ईयर गोज टू एल्प्स गुडनेस रोज मेरी वाटर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह अगर मैं बालों से रिलेटेड कोई वीडियो देखती हूँ तो उसमें एक जो प्रोडक्ट होता है, एक जो इंग्रेडिएंट होता है, उसका नाम बहुत कॉमन हो गया है, सबके मुंह से सुनने को मिलता है, वो है रोजमेरी। रोजमेरी क्या होता है? रोजमेरी एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी चीज है जो कि आपके बालों के लिए वरदान है। आपके बालों को ग्रो करने में, आपके बालों की फ्रिज को दूर करने में, आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाने में, आपके बालों को लंबा काला घना बनाने में रोजमेरी का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मल्टीपल वे में आपके बालों के लिए काम करता है। वरेरा कहती है ना लॉरियल के एड में, 5 problems 1 solution। तो दोस्तों, ये एल्प्स गुडनेस रोजमेरी वाटर ये है ही 5 problems का 1 solution। तो इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, डेमो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, और मैं आपको इसके विजिबल रिजल्ट भी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने काफी पहले परचेज किया था, ये मेरी सेकेंड पैकेजिंग है इसका। इसके बारे में मैंने बात की थी अपने शॉर्ट्स वीडियो में, उसमें बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि क्या ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं वर्क करता है, या क्या है, कैसा है। और मुझे यहाँ कान के पीछे थोड़ी सी खुजली हो रही है क्योंकि पंखा मैं नहीं चला रही हूँ और काफी ज्यादा गर्मी है गाइज। तो मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो इसका रिव्यू एंड डेमो मैंने सोचा आज फाइनली शेयर कर देते हैं। इस प्रोडक्ट से आपको क्यों वंचित रखा जाए, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, ये है एल्प्स गुडनेस का रोज मेरी वाटर फॉर थिक हेयर। ये है सिलिकन फ्री, सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री। 100 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। प्राइस है इसका ₹225 और ये 3 years की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। गुडनेस के सारे प्रोडक्ट होते हैं क्रुएल्टी फ्री एंड आर्टिफिशियल कलर फ्री। रोजमेरी तो प्रूवन है आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने में और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। ये आपके हेयर्स पे एक शाइन ऐड करता है, वॉल्यूम ऐड करता है और हेयर को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद करता है और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है गाइस। अब आपको इसको यूज कैसे करना है? आपको इसको आफ्टर शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और 15 मिनट्स बाद आप इसे रिंस ऑफ कर दें, या फिर आप ओवरनाइट ट्रीटमेंट में इसे यूज कर सकते हैं। स्प्रे इट ऑन योर हेयर एंड कीप इट ओवरनाइट, और मॉर्निंग में आपको इसको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर देना है। और या फिर आप इसको शैम्पू करने के बाद जब आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं तब स्कैल्प पे और हेयर पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और इसको छोड़ दें, और इसको हफ्ते में 2 बार आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसकी प्लास्टिक की बॉटल है और इस तरीके से स्प्रे मिल जाता है, तो इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं एज यू कैन सी। तो इस वाटर को यूज करने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं इसको शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद जब मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं तब मैं इसको यूज करती हूँ, और कल ही मैंने शैम्पू और कंडीशनर किया है दोस्तों। तो आज मैं इसको अप्लाई वैसे भी करने वाली थी और अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ कि मैं इसको बेसिकली यूज कैसे करती हूँ। तो मैं इसको अपने जड़ों पे तो अप्लाई करती हूँ, साथ ही साथ अपने पूरे बालों पे भी इसको मैं अप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों, मैं एल्प्स गुडनेस रोजमेरी वाटर को जड़ों पे तो अप्लाई करती हूँ, साथ ही साथ मैं अपने पूरे बालों पे भी इसे अप्लाई करती हूँ। ये हेयर स्ट्रैंड्स को सिल्की, शाइनी, स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हेयर्स को फ्रिज फ्री बनाता है, आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हुए नए बालों को उगाता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये आपके स्कैल्प को नरिश करता है जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बाल्ड पैचेस थे और मेरे बेबी हेयर्स, आप खुद देख सकते हैं कि मेरे बेबी हेयर्स किस तरीके से आ गए हैं और बढ़ रहे हैं। इस रोजमेरी वाकई में बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर पे रोजमेरी प्लांट है तो उससे भी आप रोजमेरी वाटर बना सकते हैं, मगर मेरे पास है नहीं और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं रोजमेरी प्लांट से रोजमेरी वाटर को बनाऊं, और बेसिकली मुझे आता भी नहीं है बनाना। तो मुझे एल्प्स गुडनेस का ये रोजमेरी वाटर दिखा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में बात भी की थी, मैंने भी इसको परचेज किया, हेयर फॉल काफी ज्यादा हो रहा था। And honestly speaking, I am loving this product. This product actually works.
ये प्रोडक्ट एक्चुअली में वर्क करता है, एवं इसकी हाइप नहीं मची हुई है गाइस, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया कि मेरे बेबी हेयर्स यहाँ पर जो हैं, मुझे यहाँ बेल्ट पैचेस हो जाते हैं, मेरा बेसिकली हेयर फॉल यहीं से होता और कहीं भी मुझे हेयर फॉल नहीं होता, और मेरे बाल ग्रो भी करते हैं तो मेरे बाल ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेल्ट पैचेस हो जाते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन अभी आप खुद देख सकते हैं मेरे बेबी हेयर्स, खुद देख सकते हैं आप, मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया है, खुद देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ने बहुत हेल्प किया है, मैंने इसको रेगुलर यूज किया है एंड काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो इसका एक बॉटल या शायद दो बॉटल मैंने खत्म कर चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं है, ये शायद मेरी तीसरी बॉटल है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको स्टॉप नहीं करती हूँ, इसको रेगुलर मैं यूज करती हूँ ताकि मुझे और आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम ना हो, यू नो बैड पैचेस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो, और ये हेयर के फ्रिजीनेस को भी दूर करता है। आप खुद देख सकते हैं मेरे बाल यू नो कितने ज़्यादा, और मेरे बालों की शाइन भी आप देख सकते हैं, आपको हल्का हल्का सा शाइन मेरे बालों पे नज़र आ रहा होगा। वैसे तो मैं अपने बालों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है। तो मैं ये प्रोडक्ट आपको हाईली रिकमेंड करूंगी गाइस, आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो भी बता दिया है, और ये प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है वो भी बता दिया है, तो कि काफ़ी अच्छा है आपको अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बैंडनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपके हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, लंबे नहीं हो रहे हैं, हेयर में फ्रिजीनेस है, ड्राई है, डल है, डैमेज है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जड़ों पे यूज़ कर सकते हैं, बालों के स्ट्रैंड्स में यूज़ कर सकते हैं, हर जगह इसको यू नो पूरे बालों के हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर यूज़ करें एक बारी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, मुझे इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पेज पे प्लीज फॉलो कर लीजिए गाइस, प्लीज मेरे यहाँ पे तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मगर इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर में मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है यार, वहां भी पूछ लो भाई, वहां भी मुझे फॉलो कर लो, तो प्लीज मुझे वहां पे जाके भी फॉलो कर लीजिए गाइस, सारे के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।